हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं बजट 2018, जो कल यूनियन बजट 2018 हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें से 50 एमसीक्यू मैंने तैयार किए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफी लाभप्रद होंगे, जैसे आईबीपीएस, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम इत्यादि। तो शुरू करता हूं वीडियो। बजट 2018 एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन हिंदी में मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज इन सब एग्जाम के लिए उपलब्ध है, यूपीएससी के लिए और एसएससी, बैंक, पीओ इत्यादि बहुत सारे एग्जाम के लिए उपलब्ध है। और आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हैं, studyiq.com। एक बात और, इस वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध होगा, वो भी हमारी वेबसाइट पर studyiq.com पर उपलब्ध होगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul, या फिर ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav@888। तो शुरू करते हैं वीडियो। इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्यों की सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी नीति तैयार कर रही है जिससे फार्मर जो हैं उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिले? तो ये कौन सी संस्था है? ये है नीति आयोग। नीति आयोग, इसको पहले बोलते थे प्लानिंग कमीशन, इसका नया नाम है नीति आयोग। और इसने तैयार करी है फार्मर्स के लिए एक ऐसी नीति जिससे उनको उचित उसका दाम मिले। और नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं मिस्टर अमिताभ कांत। दूसरा सवाल है, कितने रूरल हार्ट डेवलप किए जाएंगे और उनको ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट में डेवलप किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा एक तरह से। तो रूरल हार्ट कितने डेवलप किए जाएंगे ये आपको बताना है। ये होंगे 22,000। अरुण जेटली जी ने कहा कि हमारे 86% फार्मर ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर है या छोटे फार्मर है, बहुत ही छोटे, जो दूसरों की जमीन पर कृषि करते हैं, तो उनकी सहायता करेंगे ये 22,000 रूरल हार्ट, इनको ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट में तब्दील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्हें आगे जाके इलेक्ट्रॉनिकली ई नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा और इन्हें एपीएमसी के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनसे भी मुक्त कर दिया जाएगा, और जिससे जो किसान है वो डायरेक्टली अपना जो फसल है जाके बेच सके। और इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 2,000 करोड़ रुपए का एक एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF तैयार किया जाएगा, जिससे ये 22,000 जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है, हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। अगला सवाल है कि जितने भी एलिजिबल हैबिटेशन हैं उनको हमें ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए जो मार्च 2022 जो है वो डेडलाइन है, लेकिन ये काम स्टार्ट कब होगा? ये काम स्टार्ट होगा 2019 मार्च में। मार्च 2019 जितने भी एलिजिबल हैबिटेशन हैं उनको ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ने का काम है वो मार्च 2019 से मार्च 2022 तक किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इससे क्या होगा कि जो मेजर लिंक रूट है वो एग्रीकल्चर और रूरल मार्केट, जिन्हें बोलते हैं GRAM, ग्राम, यानी जो एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केट है, उनसे कनेक्ट किया जा सकेगा, हायर सेकेंडरी स्कूल से, हॉस्पिटल से कनेक्ट किया जा सकेगा। और इसको करेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण, जिसमें काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो हमारा है वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है पर एनम, जो उसकी एवरेज ग्रोथ रेट है वो कितनी है? तो इसकी है 8%। और आपने देखा होगा फूड प्रोसेसिंग के लिए कई बहुत बड़े मेगा फूड पार्क भी भारत में लगाए जा रहे हैं, मेगा फूड पार्क। इनमें से कौन सी योजना है जो बजट के अंदर डिक्लेयर की गई है जिससे फूड प्रोसेसिंग के अंदर हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आने से हम कई सारे फूड प्रोसेसिंग सेंटर भारत में लगा पाएंगे। तो ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। इसका एक ही काम है मुख्य, और वो ये कि हमें फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना है। और एक बात और याद रखिए, जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है, यानी जो एलोकेशन है इसके लिए, वो डबल कर दिया गया है। पिछले बजट के अंदर यह था 715 करोड़ और इस बार है 1400 करोड़, यानी लगभग डबल कर दिया गया है। एलोकेशन है 1400 करोड़ जो फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारा बजट के अंदर एलोकेशन है, जो धन रखा है। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है जिससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाएगा कृषि के अंदर? इसका नाम रखा है ऑपरेशन ग्रीन्स। देखिए, टोमेटो है यानी कि टमाटर, ऑनियन यानी कि प्याज, और पोटैटो यानी आलू, ये बेसिक वेजिटेबल है जो पूरे साल खाई जाती है, लेकिन जो सीजनल जो फसल होती है या वेजिटेबल होती हैं वो खराब हो जाती हैं, वो पेरिशेबल होती हैं। तो इसीलिए
फार्मर को कंज्यूमर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वो जो वेजिटेबल है वो खराब हो जाती है। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन जो है वो स्टार्ट किया गया है। अरुण जेटली जी ने यह भी कहा कि जैसे ऑपरेशन फ्लड था उसी तरह से ये काम करेगा। ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध के लिए था, मिल्क के लिए था, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। श्वेत क्रांति जो भारत में आई थी जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा रोल था, उसी तरह से ये किया गया है ऑपरेशन ग्रीन्स। और अरुण जेटली जी ने कहा कि इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, यानी कि 500 करोड़ रुपए बजट के अंदर अलग से रखे गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी ये कितने मेगा फूड पार्क में बनाई जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है जो भी फसल है उसके लिए ये बनाई जाएंगी 42 मेगा फूड पार्क्स के अंदर। हमारी जो एग्री एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल है वो 100 बिलियन तक है। अभी हम सिर्फ, देखिए कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारी फसल होती है हम उसको कुछ हद तक निर्यात भी करते हैं, कुछ तो हमारी खुद ही कंज्यूम हो जाती है, भारत के अंदर खपत हो जाती है, लेकिन कुछ हम निर्यात भी करते हैं। अभी हम निर्यात करते हैं सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की फसलें। इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम सिर्फ 30 बिलियन डॉलर निर्यात करते हैं, लेकिन हमारी पोटेंशियल 100 तक है, यानी हम 100 बिलियन डॉलर तक कर सकते हैं ये काम। तो इसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज का होना जरूरी है, क्योंकि हम खराब क्वालिटी की फसलों को निर्यात नहीं कर सकते। किसान क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो एक्सटेंड कर दी गई है, दो नए सेक्शन सोसाइटी के इसमें जोड़े गए हैं जिससे वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकें। तो आपको यह बताना है कि कौन से फार्मर ऐसे हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अब दी जाएगी। एक तो है जो मछली पालन के अंदर किसान है वो, और जो पशुधन के अंदर है यानी फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वाले किसान भी अब किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इसलिए किया गया है जिससे वो अपनी जो स्मॉल कैपिटल नीड है उनको पूरा कर सकें। इनमें से ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना किसे कहा अरुण जेटली जी ने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा बैम्बू को, जो बैम्बू के पेड़ होते हैं उन्हें ग्रीन गोल्ड कहा। उन्होंने ये कहा कि, वैसे एक बात बता देता हूं, बैम्बू ट्रीज नहीं है, जो अभी हमारी एक्ट है उसमें मॉडिफाई करके इनको ट्रीज की डेफिनेशन से बाहर कर दिया था, तो टेक्निकली बैम्बू ट्री नहीं होते। और नेशनल बैम्बू मिशन अरुण जेटली जी ने कहा कि हमने लॉन्च कर दिया है और इस पे 1290 करोड़ रुपए का धन रखा है बजट के अंदर, जिससे जो बैम्बू है हम उन्हें उगा सकें। और बैम्बू उगाने का फायदा यह होगा कि जो किसान है उन्हें उनकी जो आमदनी है वो उससे बढ़ पाएगी। तो बैम्बू को इन्होंने कहा ग्रीन गोल्ड हरा सोना। नया टारगेट क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यह है कि जो हमारे ग्राम की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने के लिए। इससे प्रदूषण होता है और लकड़ियां भी कंज्यूम होती हैं इसमें, तो हमारे जो पेड़ काटे जाते हैं, और इसीलिए हमें एलपीजी गैस यूज करनी चाहिए। तो इसलिए फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं महिलाओं को। तो उसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चली हुई है इसके लिए इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 8 करोड़। 8 करोड़ इसमें एलपीजी सिलेंडर बांटे जाएंगे, जो एलपीजी कनेक्शन है वो 8 करोड़ पुअर महिलाओं को फ्री में दिए जाएंगे। ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। एक बात यहां पे बता देता हूं, उज्ज्वल योजना को उजाला योजना से कंफ्यूज नहीं करना है। हमारी जो उजाला योजना है वो है हमारे जो पुराने बल्ब होते हैं जिन्हें बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब, उनको नए एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने के लिए जो योजना है वो है उजाला, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम 77 करोड़ बल्ब को भारत में रिप्लेस करेंगे एलईडी बल्ब से। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको जो लोन दिया जाएगा वो 75,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा। कौन से साल तक? तो ये बढ़ जाएगा मार्च 2019 तक, यानी मार्च 2019 तक जो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के उनमें जो हम लोन देते हैं उसको बढ़ा के करना है 75,000 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके लिए जो धन रखा है वो है 5,750 करोड़। ये जो धन है ये भी आपको याद रखने हैं, बजट से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्जाम के लिए। जो भूमिगत पानी होता है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो चल रही है हर खेत को पानी, ये 96 ऐसे जिलों में चलाई जाएगी जहां पे डेप्राइव्ड इरिगेशन है, यानी जहां पे सिंचाई जो है वो नहीं है, अच्छी सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो यहां पे कितने परसेंट से कम लैंड होल्डिंग उन जो है वो अश्योर्ड इरिगेशन में है आते हैं वहां पे चलाई जाएगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, सवाल को मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूं आपके लिए। मान लो आप, कोई जमीन है किसी जिले में, अगर सारी जमीन ऐसी है जो मानसून पर निर्भर नहीं करती, जहां ट्यूबवेल और नहरों की मदद से पानी दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अश्योर्ड इरिगेशन, यानी वहां पे मानसून पर निर्भर नहीं करते। लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो अश्योर्ड इरिगेशन के अंडर नहीं आते, जैसे पंजाब है, पंजाब में अश्योर्ड इरिगेशन है, पंजाब में 90% से ज्यादा जमीन ऐसी है जो अश्योर्ड इरिगेशन में आती है, यानी वो पंजाब के जो किसान है वो मानसून पर उतना निर्भर नहीं करते जितना दूसरे राज्यों के करते हैं, जैसे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र हो गया या बुंदेलखंड हो गया इत्यादि। अब
आपको यह बताना है कि जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी स्कीम के तहत ग्राउंड वाटर इरिगेशन स्कीम जो इन 96 जिलों में चलाई जाएगी, इनमें अश्योर्ड इरिगेशन कितने से कम होना चाहिए? तो 30% से कम जहां पे है वहां पे चलाई जाएगी, क्योंकि 30% से भी कम है तो मतलब ये जो किसान है ये बहुत ज्यादा मतलब त्रस्त है पानी की कमी से, और इसके लिए धन खर्च होगा 2600 करोड़ रुपए। सरकार जो है वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है आदिवासी बच्चों को, और इसके लिए उन्होंने डिसाइड करा है कि 2022 तक जो भी ब्लॉक है जिनमें एसटी पॉपुलेशन यानी आदि जो आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब को, जिनकी पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन इतने से ज्यादा है, वहां पे एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा। तो आपको बताना है कितने परसेंट से ज्यादा? तो ये है 50%, यानी हर वो ब्लॉक गांव के समूह को ब्लॉक बोलते हैं, तो हर वो ब्लॉक जिसमें 50% से ज्यादा आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजातियों की संख्या है वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। ये आपको क्लियर है? और इसमें कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन होने चाहिए, यह भी एक कंडीशन है, कम से कम 20,000 ट्राइबल लोग वहां पे होने चाहिए और कम से कम 50% जनसंख्या वहां की एसटी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगला सवाल है, हम हमारे जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटी है या जो दूसरे बहुत ही अति जिन्हें कहते हैं समृद्ध और प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इत्यादि, इनमें और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर अनुसंधान को बढ़ाने के लिए यानी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक राइज नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। राइज की फुल फॉर्म क्या है? रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। राइज ये कब तक लॉन्च होगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2022 तक। ये जो इनिशिएटिव है ये 2022 तक होगा। एक बात बता देता हूं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अगले 4 साल में, यानी 2022 तक होगा तो अगले 4 साल में इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। और इसको फंड कौन करेगा? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसको बोलते हैं हेफा। सरकार जो है उसने 1,000 बेस्ट बीटेक स्टूडेंट्स को हर साल चुनेगी सरकार, जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और उन्हें यह सुविधा देगी कि वो पीएचडी कर पाएंगे आईआईटी से और आईआईएससी से। तो इसके लिए इन्हें फेलोशिप दी जाएगी। इसका स्कीम का नाम क्या होगा? इस स्कीम का नाम होगा प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, यानी कि पीएमआरएफ स्कीम, पीएमआरएफ। और इसमें 1,000 हम बच्चे चुनेंगे जो बेस्ट बच्चे हैं भारत के बीटेक वाले प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से, उन्हें पीएचडी करवाएंगे आईआईटी और आईआईएससी में फेलोशिप देकर। अगला सवाल है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सरकार 10 करोड़ गरीब और संवेदनशील परिवारों को हेल्थ कवरेज देगी। आपको यह बताना है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा पर फैमिली को पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अब देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर क्या होती है? प्राइमरी केयर होती है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं, जैसे नॉर्मल ओपीडी में गए आपने दिखा दिया। अब अगर डॉक्टर कहेगा आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है यानी हार्ट के डॉक्टर की, या यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो वो सेकेंडरी केयर में आ जाएगा। अगर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हुआ तो वो टर्शरी केयर हो गया, जहां पे आपकी सर्जरी होगी या आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में गरीब लोगों का काफी पैसा खर्च हो जाता है। इसके लिए सरकार अब उन्हें 5 लाख रुपए देगी एक परिवार को एक साल में। ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत किया गया है। और ये याद रखिए, ये 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली हैं, ये 10 करोड़ लोग नहीं है। तो 10 करोड़ मतलब एक परिवार में अगर आप 5 लोग भी लगा लें तो 50 करोड़ लोग इसके अंदर आ जाएंगे, 50 करोड़। ये दुनिया का इससे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम आज तक कहीं नहीं देखा गया है। ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए सरकार हर महीने कितना पैसा देगी ट्यूबरकुलोसिस के सब पेशेंट्स को, उनके ट्रीटमेंट के लिए, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक? ये मिलेगा उन्हें 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ। भारत में अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मृत्यु है वो ट्यूबरकुलोसिस से होती है, फेफड़ों का ये रोग है, और ये खासकर गरीब लोगों को और कुपोषित से जो शिकार होते हैं उन्हें पकड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए रखा है धन बजट के अंदर, 500 रुपए पर मंथ देगी ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए। एक और चीज इसमें मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि यहां ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का जो भारत का निर्णय है कि हम खत्म करेंगे इसे 2025 तक। इनमें से कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है कि जो हमारे मवेशी होते हैं, जो मवेशी का डंग यानी गोबर है या दूसरा सॉलिड वेस्ट है, हम उन्हें कंपोस्ट में, फर्टिलाइजर, खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए जो स्कीम है वो कौन सी है? इस स्कीम का जो नाम है वो है गोबर धन।
गोबर धन की फुल फॉर्म भी है, यानी कि धन तो मतलब धनी है और गोबर की फुल फॉर्म यहां पे है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, यानी इन शॉर्ट गोबर, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। तो ये स्कीम स्टार्ट करी है, इसमें जो सरकार है वो मवेशियों का जो जो गोबर है या जो दूसरा सॉलिड वेस्ट होता है उसको फर्टिलाइजर में, बायोगैस वगैरह में कन्वर्ट करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसने अब तक लगभग 5.22 करोड़ यानी 5 करोड़ 22 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाया है। इनको जीवन बीमा मिलता है 2 लाख रुपए का। तो ये कितना प्रीमियम भरते हैं हर साल? ये भरते हैं सिर्फ 330 रुपए हर साल, और अगर इसमें इनकी किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें फिर साल का इनमें 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है साल का, लेकिन सिर्फ देना पड़ता है 330 रुपए। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलती है, जिसने अब तक 13 करोड़ 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया है, और इसमें आपको सिर्फ 12 रुपए देने पड़ते हैं हर साल, इसमें भी 2 लाख रुपए का पेमेंट आपको मिलता है। तो ये दोनों ही स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये प्रपोज करा है वित्त मंत्री ने कि वो किन दो तरह के लोगों को या दो तरह की शाखाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी TREDS प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क पे जोड़ दे। तो ये एक तो करा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो हमारे सरकारी बैंक है, और दूसरा करा है कॉर्पोरेट्स को। इनको कहा है कि वो GSTN से जुड़े और वो ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पे आ जाए। तो इसका आंसर है PSB एंड कॉर्पोरेट। ये प्रपोज करा गया है कि जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आपको मुद्रा बैंक खोला गया है। इसमें आपको 3 तरह का लोन मिलता है। एक लोन है जिसको बोलते हैं शिशु लोन। शिशु लोन मतलब 50,000 रुपए तक का लोन। ये छोटे उद्योगों के लिए है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। और दूसरा लोन मिलता है इसमें जिसे बोलते हैं किशोर। किशोर में आप ले सकते हो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। और तीसरा है तरुण। तरुण में आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। यानी मुद्रा योजना के तहत आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है मुद्रा बैंक से। और मुद्रा बैंक का संचालन करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, जो लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर है। तो मुद्रा में जो 2018 का 19 का वर्ष है, इसमें कितना करोड़ रुपया उधार दिया जाएगा मुद्रा योजना के तहत? जो अमाउंट है इसमें वो है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ ये रुपया मुद्रा योजना के तहत दिया जाएगा वित्तीय वर्ष 2019 तक। सरकार जो है उसने कहा है कि वो रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए सरकार ने एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई है जिसके हिसाब से आने वाले साल में कितने फॉर्मल जॉब्स यानी संगठित क्षेत्र में कितने जॉब क्रिएट किए जाएंगे। ये जॉब है 70 लाख। एक और बात, सरकार ने एक नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें बेसिक ट्रेनिंग देनी थी लोगों को, तो उसका टारगेट है 50 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है 2020 तक। सरकार कितना पैसा जो वेजेस हैं उनका कंट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में नए एम्प्लॉयज के लिए अगले 3 सालों के लिए, देखिए आपको बताना है। ये सारे सेक्टर पे लागू होगा, तो ये अमाउंट जो होगा ये होगा 12% कंट्रीब्यूट करेगी। 12% ऑफ द वेजेस ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज इन द EPF फॉर ऑल द सेक्टर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। जो महिला कर्मचारी हैं, जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं, उनके शुरू के 3 साल के लिए जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 12 या 10% जो कटता है जो उनकी वेजेस में से, उसमें से अब कम करके कितना हो जाना चाहिए अरुण जेटली जी के हिसाब से? उन्होंने कहा है इसको कम करके आप कर दो 8%। इससे जो उनकी सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और वो ज्यादा पैसा घर ले जा पाएंगी, इससे उनका एम्पावरमेंट होगा। सरकार जो है उन्होंने प्रपोज करा है कि एक सुरंग बनाई जाए। ये कौन से दर्रे पे बनाई जाएगी, कौन सा पास है जहां पे बनाई जाएगी सुरंग? ये पास है सेला पास। सेला पास ये भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, और ये बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। एक रोहतांग टनल है जो पूरी हो चुकी है बनके लद्दाख रीजन में, और एक जोजिला पास आपको पता होगा, जोजिला टनल बनी है, 14 किलोमीटर से लंबी है, ये बहुत लंबी सुरंग है ये जोजिला टनल, ये कश्मीर में बनी है। और अब सेला पास जो है वहां पे भी एक सुरंग बनाई जाए। एक इंस्टीट्यूट बनेगा अभी अभी जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो भारत में बन रहे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह आ रही है जो अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी इत्यादि, उनके लिए ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो ट्रेनिंग, जो ट्रेंड हो, जिनको हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो, तो उनकी ट्रेनिंग करने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। यह कहां पे बनेगा? यह बनेगा वडोदरा में। वडोदरा में बनेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इसने कहा है कि ये लार्ज कॉरपोरेट, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन्हें यह अनिवार्य कर देगा कि वो
इतने परसेंट अपनी जो फाइनेंसिंग नीड है, यानी जो आर्थिक उनकी नीड है, उसको बॉन्ड मार्केट से पूरा करें, तो ये 25% नीड उन्हें बॉन्ड मार्केट से पूरी करनी होगी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू किए हैं और सेबी भी अब इन्हें अनिवार्य बना रहा है, यानी एक चौथाई आपकी जितनी भी फाइनेंसिंग नीड है आप बॉन्ड मार्केट से पूरी करोगे। इनमें से कौन सी संस्था है जो एक राष्ट्रीय प्रोग्राम स्टार्ट करेगी जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा सके? तो ये संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग और बहुत सारी चीजों में ये काम करेगी, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे बोलते हैं IoT, 3D प्रिंटिंग और जो भी नई नई चीजें आ रही हैं उनमें ये काम करेगी नीति आयोग। जो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है हमारा वो 2018-19 के लिए कितना है? डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है हमारा 80,000 करोड़, 80,000 करोड़। और जो पिछले साल था वो कितना था? 72,500 करोड़, और इस बार है 80,000 करोड़ 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए। तीसवा सवाल है, इनमें से कौन सी स्कीम है जिसे रिवैम्प किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से बदलाव इसमें किया जाएगा जिससे जो लोग हैं वो गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल पाएंगे? ये स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें आप सरकार के पास अपना गोल्ड रखवा देते हो, बदले में आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, तो ये स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। 31वां सवाल है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल गवर्नर, इनका जो एमोल्यूमेंट है, इनकी जो परिलब्धियां या मेहनताना जो इन्हें मिलता है पारिश्रमिक, वो अब कितना हो गया है बजट के हिसाब से? तो जो प्रेसिडेंट का है वो 5 लाख पर मंथ, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख पर मंथ और राज्यपाल का 3.5 लाख पर मंथ, तो इसका आंसर है थर्ड। अभी अभी एक कानून आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो एमएलए वगैरह हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपनी अपनी जो सैलरी है वो खुद बढ़ा लेते हैं, तो अब कानून ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, वो अपनी जो सैलरी है वो खुद ही नहीं बढ़ाएंगे। इसमें उनको हर 5 साल में ऑटोमेटिक उनकी सैलरी बढ़ेगी इन्फ्लेशन एडजस्ट होके, तो ये किया गया है, क्योंकि जब भी एमपी अपनी सैलरी खुद बढ़ा लेते हैं तो फिर जो पब्लिक है वो कहती है कि ये अपनी सैलरी खुद बढ़ा रहे हैं, तो उसमें सरकार को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। तो अब कितने साल में उनकी सैलरी जो है ऑटोमेटिकली अपने आप जो उनको मेहनताना मिलता है ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा हर 5 साल में अपने आप। हमारा जो देश है वो महात्मा गांधी जी की कौन सी इसमें जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को, तो 2 अक्टूबर 2019 को मनाएगा 150वीं वर्षगांठ, 150th। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो 2 अक्टूबर 2019 से लेके 2 अक्टूबर 2020 तक सरकार एक साल तक इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाएगी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए रखे हैं कॉमेमोरेशन सेरेमनी के लिए। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो रिवाइज कर दिया सरकार ने, अब है 5.95 लाख करोड़। ये कितने परसेंट ऑफ द जीडीपी है? ये है 3.5% ऑफ द जीडीपी। याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3.2 था, बजट के हिसाब से 3.5% है, और हमारा जो एफआरबीएम है, एफआरबीएम के हिसाब से ये 3% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए 2020 तक और 2.5% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए 2023 तक। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, राज्यों का, तो राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी से ज्यादा हर साल नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जो अगले साल के लिए है, यानी 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए, वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, कितने परसेंटेज ऑफ द जीडीपी? ये होगा 3.3% ऑफ द जीडीपी अगले साल के लिए प्रोजेक्ट किया गया है। अभी ज्यादातर भारत में हम 3G यूज कर रहे हैं, कुछ लोग 4th जनरेशन भी यूज कर रहे हैं, 4G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अब 5G भी आएगा, तो 5G को हम जल्दी अपना सकें, हम जो भी नई टेक्नोलॉजी आते हैं उन्हें जल्दी अपना सकें, इसके लिए सरकार एक खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया 5G टेस्ट बेड बनाएगी। ये कौन से IIT में बनेगा? ये बनेगा IIT चेन्नई में, IIT चेन्नई में। सरकार ने अप्रूव कर दिया है लिस्टिंग, यानी इतनी कंपनी लिस्ट हो सकती हैं, तो जो हमारे सीपीएसई हैं यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, ये कितने हैं जिन्हें अप्रूव कर दिया है कि वो लिस्ट हो सकते हैं? इनमें कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज पर 14 सीपीएसई हैं जो लिस्ट हो सकते हैं और इनमें से 2 हैं इंश्योरेंस कंपनियां, तो इसका आंसर हो गया 14 and 2। 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं और 14 टोटल हैं, जिनमें 2 इंक्लूडिंग है इंश्योरेंस, मतलब टोटल 14 हैं, इनमें 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसमें आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं कि सरकार ने कितनी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनका, यानी सीपीएसई हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जिनका डिस इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है? तो सरकार 24 ऐसी सीपीएसई हैं जिनमें डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है,
और जैसे इनमें एयर इंडिया भी है, एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तीन हमारी ऐसी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिनका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरी कौन सी है, इन्हें आपस में मिला के एक ही बड़ी कंपनी कर दिया जाएगा और फिर इसको लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये तीन कंपनियां मिला के सरकार एक कर देगी। तीसरी कौन सी है? ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस। तो ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस, NIACL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NICL और UIACL यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये तीनों मिला के एक हो जाएंगी और फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और आप एक और जानते हैं, ONGC जो है, ONGC एक्वायर कर रही है HPCL में स्टेक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर स्टेक। ONGC एक महारत्न कंपनी है, भारत में आठ महारत्न कंपनी है और आठवीं महारत्न कंपनी जो है वो है भारत पेट्रोलियम, जिसे अभी अभी मिला है स्टेटस महारत्न का। जो हमारा इनकम टैक्स में ग्रोथ है 15 जनवरी 2018 तक, वो कितना देखने को मिला है, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ग्रोथ है वो कितना है, ये देखने को मिला है 18.7%। एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं टैक्स बायंसी, टैक्स बायंसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा नॉमिनल GDP 10% ग्रोथ दिखा रहा है तो हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स में ग्रोथ है वो कितना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि टैक्स बायंसी 1.1 है तो इसका मतलब ये है कि अगर 10% हमारा नॉमिनल GDP ग्रोथ है तो हमारा इनकम टैक्स ग्रोथ है 11%, 11%। तो इसको बोलते हैं 1.1। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स पहले देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स 30% लगता है, आप जानते हैं 30% होता है कॉर्पोरेट टैक्स। पिछले बजट में क्या किया था, वो कंपनियां जिनका टर्नओवर साल का 50 करोड़ तक है, जिनका साल का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, वो सिर्फ 25% देंगी। क्लियर? इस बार ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, अब जो कंपनियां 250 करोड़ तक कमा रही है साल में, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है, वो 25% देंगी। इसमें फिर भारत की 99% कंपनीज आ जाती है, यानी 99% भारत की कंपनी है जिनके लिए कॉरपोरेट टैक्स अब सिर्फ 25% होगा, 30% नहीं होगा। तो इसको 50% से, 50 करोड़ से बढ़ा के कर दिया है 250 करोड़। और 50% वाले में पहले 96% भारत की कंपनी आती थी, अब ये बढ़ के हो जाएंगी 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो सैलरी टैक्स पेयर है उसने टोटल जो टैक्स भरा है वो भरा है 1.44 लाख करोड़। इसमें अगर हम एवरेज निकालें पर इंडिविजुअल, तो उसने कितना टैक्स भरा है, एक इंडिविजुअल ने 76,306 रुपए टैक्स भरा है एक साल में। और भारत में याद रखिए सिर्फ 1.7% लोगों ने टैक्स भरा था वित्तीय वर्ष 2015-16 में, यानी वित्तीय वर्ष 2016 में। जो सैलरी टैक्स पेयर हैं उन्हें रिलीफ देने के लिए जो मानक कटौती है यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितने रुपए की अलाउ कर दी गई है, और जो अभी एग्जेम्पशन है उसको रिप्लेस करके अब नया एग्जेम्पशन आ गया है, तो ये कर दी गई है 40,000, 40,000 कर दी गई है। और इससे जो सैलरी टैक्स पेयर है उसे फायदा होगा, मानक कटौती से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस डिसीजन से फायदा होगा, और इससे सरकार के ऊपर 8,000 करोड़ का एक अतिरिक्त भार पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज को दी है उससे सरकार को कितना रेवेन्यू कॉस्ट उठाना पड़ेगा, तो यह है 8,000 करोड़। बजट के अंदर जो सीनियर सिटीजन है उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। तो जो सीनियर सिटीजन अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं उस पर उन्हें मिलता है ब्याज, इस ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया है अरुण जेटली ने। कितने रुपए तक? पहले 10,000 रुपए तक जो ब्याज था वो टैक्स फ्री था, अब इसे बढ़ा के कर दिया है 50,000 रुपए। इतना ही नहीं, इसमें TDS भी नहीं कटेगा, अंडर सेक्शन 194A TDS भी नहीं कटेगा। जो सीनियर सिटीजन है उन्हें जो स्वास्थ्य बीमा है उसको भी उस पर छूट दी गई है। तो कितने रुपए तक उन्हें छूट मिलेगी, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर फंड पे, ये छूट है 50,000 रुपए। तो इसकी ये भी रेज कर दी है, पहले थी 30,000 स्वास्थ्य बीमा पे, अब है 50,000, यानी कि जो लिमिट है डिडक्शन की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे या मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, उसे 30,000 से बढ़ा के कर दिया है 50,000। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं सीनियर सिटीजन, उनकी जो कटौती है, कटौती सीमा, वो जो स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा हो या तो, या फिर प्रीमियम हो, इलाज का खर्च हो, उसमें जो टैक्स डिडक्शन की सीमा है वो 30,000 रुपए थी पहले, अब कितनी है, अब ये अंडर 80D इसको कर दिया गया है बढ़ा के 30,000 से 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जो क्रिटिकल इलनेस होती हैं, कुछ बहुत ही खास बीमारियां होती हैं, बहुत ही ज्यादा असाध्य बीमारियां होती हैं, उसमें इनकी जो कटौती सीमा थी पहले थी 60,000,
और जो अति वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए थी 80,000। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, दोनों के लिए अब सेम कर दी गई है 1,00,000 रुपए। तो यहां पे आप देख सकते हैं धारा 80DDB यानी आर्टिकल DDB के तहत विशेष गंभीर बीमारियों पर इलाज के खर्च के लिए की जो कटौती सीमा है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा के, वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 से 80 का जो है, और जो 80 से ज्यादा का है उसे बोलते हैं अति वरिष्ठ नागरिक। तो इनके लिए दोनों के लिए अब कर दी गई है ये कटौती सीमा 1,00,000 रुपए। और जो वाया वंदना योजना है वो भी मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। चलिए अब आते हैं, अगला सवाल यही है इनफैक्ट कि जो वाया वंदना योजना है ये कब तक बढ़ा दी गई है, तो ये मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। ये योजना है क्या, इसमें 8% अश्योर्ड रिटर्न मिलता है आपको LIC में जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें, तो ये भी याद रखिए। और जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो लिमिट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 7.5 लाख पर सीनियर सिटीजन है ये लिमिट है अभी, इसको बढ़ा के भी अब 15,00,000 रुपए कर दिया गया है। तो मैं आपको हिंदी में लिखा दिखाता हूं, मौजूदा निवेश सीमा इन्वेस्टमेंट लिमिट को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 रुपए से बढ़ा के कर दिया है 15,00,000 रुपए। तो सीनियर सिटीजन के लिए इस बजट में काफी कुछ है। जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कितना अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना होगा, ये कंसेशनल है, काफी कम रखा गया है, इसे 9% रखा गया है। तो ये बिल्कुल उतना ही पे करेंगे जितना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हमारे कॉर्पोरेट पे करते हैं, उतना ही नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर भी पे करेंगे। जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं एनजीओ के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनकी ऑडिट करने के लिए यह प्रपोज किया गया है कि जो पेमेंट कितने से ज्यादा अगर है कैश में की गई है तो वो डिस अलाउ कर दी जाएगी और उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा। तो ये पेमेंट है 10,000 से ज्यादा, 10,000 रुपए से ज्यादा की जो पेमेंट है वो डिस अलाउ कर दी जाएगी, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कैश में और उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा, TDS कंप्लाइंट होंगी ये सारी। सरकार ने प्रपोज करा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 1,00,000 रुपए से ज्यादा, उसको कितने परसेंट पे उसको टैक्स किया जाएगा, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,00,000 रुपए से ज्यादा उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो इसमें टैक्स लगेगा 10%। ये नई चीज है, ये दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स ये दोबारा कर दिया गया है। अभी जो एजुकेशन सेस लगता है, एजुकेशन सेस उसको बढ़ा के, वो 3% लगता है अभी, इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, अब इसका जो नया वाला लगेगा इसका नाम होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये 4% होगा 3% की बजाय, यानी 1% वृद्धि इसमें की गई है। और इससे सरकार 11,000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी जो गरीब लोगों के शिक्षा पे और हेल्थ केयर पे खर्च किया जाएगा। जो मोबाइल फोन है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं भारत में, विदेश से नहीं खरीदना चाहते, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन पे कस्टम ड्यूटी 15% थी, उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, इसे बढ़ा के कर दिया गया है 20%, यानी आपके जो विदेशी फोन है बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं। काजू के ऊपर जो पहले कस्टम ड्यूटी लगती थी रॉ कैश्यू पे, वो 5% लगती थी, अब इसे घटा के कितना कर दिया है, इसे 5% से घटा के कर दिया है 2.5%। ये काजू जो उगाने वाले हमारे इंडस्ट्री है उन्हें फायदा पहुंचाएगी, कैश्यू प्रोसेसिंग को फायदा पहुंचाएगी। भारतमाला परियोजना में जो लगभग 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में कितने रोड भारत के अंदर बनाए जाएंगे, भारतमाला परियोजना में जो टोटल रोड बनेंगे वो है 35,000 किलोमीटर। तो ये थे 55 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और बाकी डिटेल में तो हम बजट को कर ही रहे हैं, धीरे धीरे सारे हम लेके आ ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और अपना स्कोर भी कमेंट्स में लिख के बताइए, 55 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। थैंक यू सो मच।